हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो क्रेडिट कार्ड में जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं उस रिवॉर्ड पॉइंट को आप कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रिवॉर्ड पॉइंट होता है, जब भी आप उसको कहीं पर यूज़ करते हैं तो उस पर कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स आपको मिलते हैं, तो उसको आप जो है कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वीडियो में यही बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आपको अपना HDFC बैंक का जो है एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। तो मेरा यहाँ पर HDFC बैंक का एप्लीकेशन ओपन है, लॉगिन ID वगैरह डाल के मैंने ओपन किया हुआ है। जब भी आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरीके का मेन्यू आता है, तो आपके लेफ्ट हैंड के टॉप पर या मेन्यू पर जो थ्री लाइन्स दिख रही हैं इस पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है पे का, तो ये पे के ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है कार्ड्स का, तो ये कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कार्ड्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे वेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है मेरा क्रेडिट कार्ड की डिटेल आ गई है, लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड्स, और यहाँ पर जो है इस तरीके से मेरा क्रेडिट कार्ड शो हो रहा है। क्रेडिट कार्ड पर यहाँ पर जो एरो बना है इस पर इस तरीके से क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है पेज ओपन होने का, तो हम वेट करते हैं। तो हम यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो मेरे यहाँ पे जो है 1686 मेरे जो हैं पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अब आप यहाँ थोड़ा सा नीचे की तरफ और स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो आपको एक ऑप्शन मिलता है रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स, तो ये रिडीम रिवॉर्ड पॉइंट्स वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको वेट करना है। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यहाँ पर यू विल बी मूव टू सक्सेसफुली रिवॉर्ड पॉइंट रिडम्पशन वेबसाइट, तो आपको जो है रिडीम्पशन वेबसाइट पे ले जाया जा रहा है जहाँ पे आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे। तो आपको यहाँ कन्फर्मेशन देना है, फिर वेट करना है। हम दूसरी वेबसाइट पे आ जाएंगे HDFC की रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली वेबसाइट पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है हम रिवॉर्ड पॉइंट्स वाली वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है प्रोडक्ट एंड वाउचर, इंस्टेंट वाउचर और कैश, तो हमको ये कैश वाले ऑप्शन पर जो है क्लिक करना है। तो यहाँ पर हम जो है कैश वाले ऑप्शन पर इस तरीके से क्लिक कर लेते हैं। कैश वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अवेलेबल हमारे पॉइंट्स हैं वो 1686 हैं, 1686 मेरे पॉइंट हैं। तो यहाँ पे एंटर पॉइंट्स, आपको कितने पॉइंट रिडीम करने हैं, तो यहाँ पे मैं टोटल पूरे पॉइंट को रिडीम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपने टोटल पॉइंट को कर दिया है, और यहाँ पर इस तरीके से अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक जो है एक पॉइंट जो है एक रुपये के बराबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर 1686 पॉइंट हैं, तो यहाँ टोटल अमाउंट भी मेरा यानी रुपए भी इतने ही हैं। तो यहाँ पे मेरे को इस तरीके से प्रोसेस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो हम वेट करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडी टू रिडीम कैश, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे जो है टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ पे रिडीम नाउ पे ऑप्शन पे इस तरीके से क्लिक कर देना है। तो हम वेट करते हैं कन्फर्म कैश रिडम्पशन, यहाँ पर ओके कर देना है इस तरीके से आपको, और वेट करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं योर कैश रिडम्पशन रिक्वेस्ट टेकन फॉर प्रोसेसिंग, तो यहाँ पर हमारी ऑर्डर नंबर भी आ गया है। तो ये जो है हमारा जितना भी हमने रिडीम किया है, ये हमारा जो बिल जनरेट होगा उस बिल अमाउंट में हमारा यहाँ से जो है पैसा माइनस हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए मेरा 10,000 रुपये बिल जनरेट हुआ है, तो उसमें से मेरे 1686 रुपये माइनस हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय माता की।